हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है वह क्लास नंबर 3 और अनुपात और समानुपात पर, जिसमें आज हम सीखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न होगा। जो हमारा टाइप होगा आज का वो होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो उसके पहले हम आइए थोड़ा सा सिलेबस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक सिलेबस हमने यहाँ पे दे रखा है आपको, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, LCM, HCM, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एज, एवरेज, नंबर सीरीज, ये सारे के सारे वीडियोस यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पे प्लेलिस्ट होगी मैथ्स की, रीजनिंग की, तो आप वहाँ से सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज। आप अपने अभी हम जो है अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन पर आज हम डिस्कस करेंगे, और इसकी क्लास नंबर 3 आपकी वीडियोस हैं। इसके पहले हमने क्लास नंबर 2 कवर किया है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो जाके वहाँ पर देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और जो कि हमारे टॉपिक में क्वेश्चन नंबर पहला है जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 7:9 यानी कि 7:9 7:9 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए हमने ये 7 माइनस के ले लेते, यानी कि के की वैल्यू होती है, यानी कि एक्स की वैल्यू होती है, या 9 माइनस k कर दें तो जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है, 3/4 हो रही है। कितनी हो रही है, 3/4। भाई 7 में से हम उस कोई भी वैल्यू को घटा देते हैं, जैसे x मान लीजिए, k वैल्यू हमने x मान लेते हैं, k मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 माइनस k अगर माइनस करेंगे और 9 माइनस k करेंगे तो 3/4 हमारा क्या बन जा रहा है, ये नए पदों का अनुपात बनता है। कितना बन रहा है, 3:4, यानी कि 3/4 बन जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इनको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 × 7 = 28 माइनस 4 × 4 के बराबर 9 × 3 = 27 माइनस 3 के, कितना जाएगा, 3 के। अब ध्यान दीजिएगा, अब 4 के और 3 के, तो यहाँ पर हो जाएगा के, यानी कि 1 के हो जाएगा, एक बचेगा। 28 और 27 में से जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, एक, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। यानी कि अगर हम 7 में से एक को घटा दें तो, और 9 में से एक को घटा दें तो कितना अनुपात बनेगा, देखो 6/, यहाँ पे कितना बचेगा, एक घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। तो देखिए रेशियो जो बन रहा है वो 3/4 का अनुपात बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसमें से यानी कि 7 और 9 में से अगर एक घटा दिया जाए, 7 में से 1 घटाएं 9 में से 1 घटा दें, तो नया जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3/4 अनुपात हो जाता है। तो x की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ वैल्यू है, वो क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 11:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए जिससे नए पदों का अनुपात 8+9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 11+k/13+k बराबर 8/9, क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 से मल्टीप्लाई, 11+9 = 99+9k बराबर 13/8 = 104, ठीक है, प्लस 8k। अब 8k 9k से बचेगा k, और 104 में से 99 घटाएंगे जब, तो बचेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी कि 11 में हम अगर 5 जोड़ दें या 13 में 5 जोड़ दें तो हमारी जो वैल्यू बनेगी वो 8/9 का रेशियो बन जाएगा। तो 11 और 5 होता है 16 और 13 और 5 होता है 18। तो यहाँ पर हम काटेंगे, इसको काट दीजिए, तो 2 × 8 = 16 और 2 × 9 = 18। तो 8/9 का जो देखिए अनुपात भी हमारा बन गया। तो जो वैल्यू आ रही है वो के की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 6:7 के प्रत्येक पद में कौन सी छोटी
अपूर्णांक संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने 6-k ले लेते हैं, भाई 6/7 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7-k। अब क्या करना है हमें, कौन सी वैल्यू ऐसी घटा दी जाए जिससे कम हो जाए, क्या कम हो जाए, 16/21 से कम रहे। तो ये कितनी वैल्यू हम घटाएं कि जो 16/21 से रेशियो से कम हो जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 126-21 के, ठीक है, और फिर 112, 16 × 7 = 112 - 16 के, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, देखिए 126 में से जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14, और ये बड़ा है किस से, 5k से। तो यानी कि जो आंसर हमारा आ जाएगा वो कितना जाएगा, k की वैल्यू है, यानी कि जब 14 और ये भी बड़ा है किस से, 5k से। तो अब हम k की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे 14 से यहाँ पर हो जाएगा 2.8k, कितना जाएगा 2.8k, यानी कि 2.8 क्या है, ये k से छोटा है ना, 5। अब हमें यहाँ पे जो k की वैल्यू आ जाएगी इसको अप्रॉक्सीमेट में ले लेंगे वैल्यू, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, यानी कि आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 2.8 जो है हमारी k की वैल्यू आ गई, तो इसको हमने अप्रॉक्सीमेट में लिख लिया 3, ठीक है। तो अगर हम 3 को घटा दें तो ये 16/21 क्या हो जाएगा, कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, कह रहे हैं कि दो संख्याएं 4:5 में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 6:7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4x = 5x, ठीक है। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में से 6 जोड़ दिया जाए, तो मान लीजिए 4x + 6 करेंगे बटे 5x + 6 कर दें, तो जो आंसर आएगा हमारा आ जाएगा 6/7, कितना आ जाएगा 6/7। अब हमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं, 7 × 28 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 28x और प्लस कितना हो जाएगा 42। तो 28x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42, ठीक है, बराबर 6×5 = 30, 30x + कितना हो जाएगा 36। अब 28x और 30x से बचेगा 2x, बराबर कितना हो जाएगा 42 और 36 में 6 बचेगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कितनी, 3 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आ गई वो आ गई 3। अब आपसे बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या का मान बताइए, तो बड़ी संख्या कौन सा है, 5 है। तो बड़ी संख्या जब 5 है तो 5 × x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 × 3 = 15। तो यही हमारी क्या है, बड़ी संख्या है, क्या है, बड़ी संख्या। तो हमारी बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 8:13 हो जाता है, तो छोटी संख्या का मान बताइए। मान लीजिए 6x है / 11x, अब इसमें प्लस कितना करना है, 10 जोड़ देना है, तो यहाँ पर भी प्लस 10 जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं में जोड़ना है 10। तो जोड़ने के बाद जो आ रहा है रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 8/13 का बन रहा है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 13 × 6 = 78 x प्लस 13 × 2 = 130 बराबर 11 × 8 = 88 x, है ना, और प्लस 8 × 2 = 80, क्लियर हो गया। अब 78x और 88x में जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10x, कितना आ जाएगा 10x आएगा, है ना, 10x हो जाएगा। अब 10x बराबर 130 में से जब 80 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 50, तो x बराबर आ जाएगा 50/10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब छोटी संख्या की बात हो रही है, तो 6x था और 11x था, तो 6x क्या है, छोटी संख्या, तो यही है 6x,
तो यहाँ पे रख दीजिए 6 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू 5 आई है, तो 6 × 5 = 30। तो ये हमारी छोटी संख्या की वैल्यू का मान आ जाएगा। कितना आ गया छोटी संख्या का मान? 30 हो जाएगा। क्लियर? अगर बड़ी संख्या का मान पूछता तो हम 11 × 5 करते तो 11 × 5 = 55 आंसर हमारा हो जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जो 3:4:5 के अनुपात में हैं और इन संख्याओं के वर्गों का योगफल 450 है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 3x, फिर इसको लिख सकते हैं 4x, इसको लिख सकते हैं 5x। अब इन सभी के वर्गों का योग कितना है? टोटल 450 है। मतलब ये सारे के सारे वर्ग में हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे नंबर ऑफ वैल्यू जो भी हैं वो वर्ग में हैं। तो हमने लिख लिया 3x² 4x² 5x² = 450 है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 9x², ठीक है, फिर लिख सकते हैं 16x², फिर लिख सकते हैं 25x² बराबर कितना है? 450 है। क्लियर? अब सबको जोड़ेंगे तो कौन आ जाएगा? 50x² = 450। कितना है? 450 है। तो x² बराबर हो जाएगा 450/50, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारी? 3। अब बड़ी संख्या का मान पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या है ये आपकी 5x, ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या के लिए 5 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। तो ये बड़ी संख्या का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह बड़ी संख्या की आपके मान हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इन संख्याओं के घनों का योगफल 288 है। संख्याओं का योगफल बताइए। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इन संख्याओं के घनों का योगफल 288 है। ठीक है, घनों का योगफल बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1x, फिर 2x, फिर 3x। ठीक है, अब इनके घनों की बात कर रहा है, तो 1x³ + 2x³ + 3x³, यही तो करेंगे। और इनका योग कितना है? 288 है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो 1 का घन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 का घन करेंगे तो 8x हो जाएगा, प्लस 3 का करेंगे तो 27x का घन हो जाएगा, बराबर कितना है? 288 है। क्लियर? आप सबको जोड़िए तो 8, 1, 9 और 27 और 9 कितना होता है? 36। तो 36x³ बराबर 288। तो x का क्यूब यहाँ पर क्या है? क्यूब हो रहा है। तो x³ बराबर कितना आ जाएगा? 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? हमारी 2 आ जाएगी। अब सबसे छोटी संख्या का मान बताना है, अच्छा संख्याओं का योगफल बताना है, तो घनों का योगफल है ना, तो सभी घनों का। तो देखिए यहाँ पे टोटल दिया है हमारा 1, 2 और 3, तो सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना, 6। अब 6 × x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। तो 6 × 12 है, तो कितना जाएगा यहाँ पे? 6 × 12 हो जाएगा। भाई सभी घन को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3, तो सभी को जोड़ने पर कितना आ गया? 6 आ गया। भाई सभी के अनुपात को जोड़ दीजिए, अनुपात को जोड़ने के बाद तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा टोटल? 1 + 2 + 3 = 6 और x की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। तो 6 × 12 ये हमारा आंसर आ जाएगा। संख्याओं का योगफल बताइए, तो संख्याओं का योगफल जो होगा वो कितना जाएगा? उनके घनों का योगफल होगा वो हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 3 संख्याएं हैं 2:3:4 के अनुपात में है और इन संख्याओं के योगफल का वर्ग 324 है। योगफल का जो वर्ग है वो है 324। तो बीच वाली संख्या का मान बताइए। तो दोस्तों इसको हम लिखेंगे 2x, फिर 3x एंड 4x। इनके संख्याओं के योगफल का जो वर्ग है वो 324 है। मतलब 2x + 3x + 4x, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करोगे, इनके वर्गों का योगफल बोल रहा है, तो 324 है। अब हमें क्या करना है? सबको जोड़ दीजिए, 3, 2, 5 और 4, 9। तो 9x
बराबर कितना हो जाएगा? अब वर्गों का योगफल मतलब 24 है, मतलब 324 किसका वर्ग है? 18 का। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 18 बटे 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या की बात कर रहा है, तो बीच में कितना है? 3x है, तो बीच वाली संख्या का मान हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। कितना आंसर आ जाएगा? 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले नंबर पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं 3:4:5 के अनुपात में है और इनका मस 12 है, और इनका मस 12 है, तो छोटी संख्या का मान बताइए। तो छोटी संख्या का मान बताइए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x, उसके बाद 4x, और उसके बाद 5x। इनका बराबर मस कितना है? इनका 12 है। तो ध्यान दीजिए, मैसे बराबर यानी इनका मैसे जो है वो कितना है? मैसे है इनका 12। तो सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, तो छोटी संख्या कितनी है? 3x है, तो 3×12 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 36। बात खत्म। क्योंकि सभी नंबर भाई 3x 4x 5x का, इनका सबका मैसे कितना है? 12 है। तो छोटी संख्या का मान बताना है, तो छोटी संख्या हमारी कितनी है? 3x है, बस मल्टीप्लाई कर देना मस है, अगर 12 है तो 3×12 कर देंगे तो 12×3=36, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इन सब का मस हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं जो 4:5:8 के अनुपात में है और इनका मस 10 है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। तो भाई 4x, फिर 5x एंड फिर 8x, और सबका मैसेज जो है वो कितना है? 10 है, यानी कि जो मैसेज है वो कितना है? महत्तम समापवर्तक कितना है? 10 है। तो सब बोला जा रहा है आपसे कि भाई आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या का मान होगा, ठीक है? इन सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो आप बताइए यहाँ पे, तो इनका जो मैसेज है, ध्यान दीजिएगा, 4x हो गया, 5x हो गया और 8x, इनका बराबर कितना मैसेज है? 10 है, ठीक है? तो मसा हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और आपसे बड़ी संख्या की मान की बात हो रही है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 8x है, तो 8 मल्टीप्लाई पर यहाँ पे 10 करेंगे तो आ जाएगा 80। क्लियर हो गया? अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं 2:3:4 के अनुपात में है, इनका मस 8 है, तो संख्याओं का लसे बताइए। तो भाई 2x, फिर 3x एंड 4x, इनका जो मैसे है वो है 8 है, ठीक? अब इनका जब मैसे अगर 8 है, तो यानी कि x बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, ठीक है? इनका जो मैसे वो 8 है, तो x बराबर यानी कि 4×3=7=9, तो इनका जो मैसे आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 8x हो जाएगा, ठीक है? यानी कि 8 आ गया इनका मैसे हो गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मैसे बराबर 8 हो गया। तो लसे इनका जो होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, वो हो जाएगा 12x। कितना हो जाएगा? 12, यानी कि कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, यानी कि 3, 2 और 4 का ही जो इनका लसा होगा लघुत्तम समापवर्तक, हो जाएगा 12x। तो बराबर x की वैल्यू कितनी आई है? 8 आ गई है, तो 12×8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12/96, यानी कि 96, ठीक है? इनका लसा जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 96 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे क्वेश्चन थे, अभी आगे भी हमें और है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कैसा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दौड़ में एक कुत्ता एक खरगोश भाग लेते हैं। कुत्ते द्वारा 3 छलांगों में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 5 छलांगों में चली गई दूरी के बराबर है। तो जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है, तो इनकी चाल का अनुपात बताइए। तो अनुपात बताने के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा, डॉग है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? खरगोश, यानी कि रैबिट, ठीक है? यानी कि आर हो जाएगा। अब जो कुत्ते की चाल है, रेशियो है, वो कितना है? 3:2 का रेशियो। क्या बन जाएगा? 3:2 का रेशियो बन जाएगा। कैसे? कि भाई एक दौड़ में कुत्ता भाग लेते हैं, कुत्ते द्वारा 3 छलांगों में चली गई दूरी, कुत्ता क्या करता है? 3 छलांगों में चली गई जो दूरी है, तो कुत्ता जितने समय में 2 छलांग लगाता है, कितने छलांग लगाता है? 2 छलांग लगाता है, उतने में खरगोश 3 छलांग लगाता है। उतने में खरगोश कितने छलांग लगाता है? 3 छलांग लगाता है। और खरगोश द्वारा जो चली द्वारा 5 छलांग चल रहा है, यानी कि खरगोश 5 छलांग चल रहा है और 3 छलांग वह लगाता है। और कुत्ता क्या करता है? 3 छलांगों में चली गई दूरी, ठीक है,
और फिर कुत्ता क्या करता है, दो छलांग लगाता है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा छलांग हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्टली इन दोनों का, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाँच दिन होता है यहाँ पर 10 और तीन तारीख का होता है 9, तो जो रेशियो बनेगा वो अनुपात आ जाएगा 10:9। क्या आ जाएगा अनुपात जो बनेगा वो हो जाएगा 10:9 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो बन जाएगा, ठीक है, अनुपात ही पूछा है तो बस अनुपात करना है, इन दोनों के क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो खरगोश वन यानी कि खरगोश की ये चाल और इस चाल में मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे खरगोश और कुत्ते के इन दोनों को आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, तो ये रेशियो इनका अनुपात बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए इतना बड़ा था और बट इसका सोल्यूशन बस सेकंडों के थे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। कह रहा है कि पाँच पेंसिल और चार किताबों का कुल मूल्य 3 पेंसिल और 5 किताबों के कुल मूल्य के बराबर है, तो पेंसिल और किताब के कीमत में अंतर बताइए, ठीक है। अब देखिएगा 5 पेंसिल है यानी कि 5 पेंसिल प्लस 4 बुक्स यानी कि 4 किताबें बराबर 3 पेंसिल प्लस 7 बुक्स, ठीक है, ये बराबर है आपस में। अब जब बराबर तो पेंसिल बराबर कर रहे थे, तो 5 पेंसिल 3 पेंसिल मतलब 2 पेंसिल, 2 पेंसिल बराबर 4 बुक और यहाँ पे 7 बुक, कितनी बुक्स हो जाएगी 3 बुक। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कि यहाँ पे कि पेंसिल बटे बुक बराबर 2/3, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा और अंतर जो आ जाएगा वो ऑटोमेटिक अंतर भी निकाल लेंगे, अंतर आएगा 1 का, तो अनुपात हमारा जो बनेगा वो कितना हो जाएगा 2/3 का अनुपात आ जाएगा और 1 का अंतर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। तो आते क्वेश्चन नंबर अगले में, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी जिसकी चाल 3:4:5 का अनुपात है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा इसको हम जब लिखते हैं कि 3x या 4:5 में, अब सभी का हमें अनुपात बताना है यानी कि सभी का रेशियो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी कराया था, इसका हम समयानुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, समयानुपात निकालते हैं। और समयानुपात कैसे निकालते हैं, पहले का 5वें से यानी कि 3×5 पहला और तीसरा, उसके बाद हम फिर रेशियो निकालते हैं किसका, फिर हमने रेशियो निकालते हैं 5/3 का, ठीक है। पहले या तो हम 3/5 का कर लें तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे 4/5 का, किसका निकालेंगे 4/5 का, रेशियो बन जाएगा 4×5 करेंगे। और फिर एक और स्टेप बचेगा हमारा 3×4 का, किसका बढ़ेगा 3×4 का यानी कि 3×4 का। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बस कर देना, तो 5×3 आ जाएगा 15, 5×4 हो जाएगा 20 और 3×4 हो जाएगा 12। तो 15, 20 और 12 का ये हमारा रेशियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा 15, 20 और 12 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, इसको मैंने इस टाइप के क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में जो पहली वीडियोस थी हमने वहाँ पे सीखा हुआ है कि हम कैसे समयानुपात निकालते हैं। समयानुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का किससे हो जाएगा 3rd नंबर से, फिर दूसरे का 4th से, और फिर पहले का दूसरे से। तो इस तरह से हम समयानुपात निकालते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके, क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका लंबा नहीं है, बस आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी जिनकी चाल चार अनुपात 5 का अनुपात है, एक निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को 40 मिनट का समय लगता है तो बी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं 4x और 5x, ये हमारा अनुपात दिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि जो ए चलता है निश्चित दूरी, ए को कितनी दूरी तय करने में समय कितना लग रहा है 40 मिनट का, तो ए 40 हो जाएगा। अब उसी दूरी को बी करेगा यानी कि बी जो कर रहा है वो कितना समय ले रहा है t2 समय, मान लीजिए t2 समय ले रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अब 5 से काट दीजिए 8 है 40 हो जाएगा, और यहाँ पर t2 बराबर हो जाएगा 8 × 4 = 32, तो कितना मिनट लेगा वह 32 मिनट लेगा। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया
ए जो कितना समय लेता है, यानी कि जो ए है यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो हम इसको 4x लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया डायरेक्टली, हमने एक रेशियो बनाया इसको, इसके लिए परेशान मत होइएगा, कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला है कि 4 है, तो यानी कि ए जो समय लेता है, यानी कि ए लेता है 4, जो यहाँ पे चाल दिया है, तो 4 × 40 कर देंगे क्योंकि ये ए का समय है। फिर बी से पूछ रहा है कि बी जो लेता है समय वो कितना लेगा, तो टाइम बताना है, यानी कि T2, ये टाइम हो गया A1 और ये हो गया A, ठीक है। तो A × T1 और यहाँ पर B × T2 हो जाएगा। आगे भी अगर और रेशियो होता, सी होता, तो यहाँ पर C × T3 कर देते, ठीक है, बराबर होता जाता। तो हमने 5 से काट दिया, 5 × 8 = 40, तो यहाँ पे T2 बराबर आ जाएगा 8 × 4 = 32, तो यहाँ पे 32 मिनट लेगा समय कौन, बी लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के रेगुलर बेसिस पर आपको जो है वीडियोज़ मिलती रहेगी, वो भी टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज। तो हम बेसिक के साथ साथ एक ट्रिक भी सीखते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल डिटेल से समझाई जाती है। अगर आपके पास कोई क्वेरी होती है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर भी, और हमारे चैनल पर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी होती है तो, ठीक है। आपको यहाँ पे हिंदी का, यानी कि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी का भी सेशन शुरू होगा, पैडागॉजी का होगा। तो एक एक करके हम धीरे धीरे वीडियोज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, चलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।